नागपुर से 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचा था बाई रोड बोरधरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। रोशनी, तो ये है रोशनी। और देखो कान के झुमके इनने कितने अच्छे पहन के रखे, दिखाओ कान के झुमके अपने। तो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस। यहाँ कैंटीन है जहाँ खाना बनता है। एक लेडीज ग्रुप यहाँ उस कैंटीन को चलाती है कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत ही साफ सुथरा रखा। और ये लोग मिलके चलाते हैं, आप लोग दोनों मिलके चलाते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, ये दो लेडीज मिलके इसको चलाते हैं। आपका नाम? सविता डब। सविता डब, हाँ। अच्छा, आप? वैशाली राउत। रूम नंबर 5 मैंने बुक करा, ऑन स्पॉट बुक किया मैंने। तो अभी इस रूम की साफ सफाई चल रही है, तब तक थोड़ा इसका नज़ारा देख लेते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैंटीन से निकलते ही, इटरी के पास पहुंचते ही मेरे कानों में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ थी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में काम करने वाले कर्मचारी आकाश की। मैंने देखा आकाश अपना काम करते हुए बहुत ही तन्मय था और गाना गुनगुना रहा था, अपने धुन में ही था। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आकाश अपने काम में इतना ज़्यादा मगन था कि उसको ये पता ही नहीं चला कि कैमरा उसका पीछा कर रही है। मैंने भी बहुत शांति से उसके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखा। मैंने पाया कि उसका ध्यान कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है और जब भी मौका मिल रहा है वो गुनगुना रहा है। मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो आया, शायद वो थक चुका था और पत्थर के बने टेबल में लेटा था। अगा सुट लगो राड या 14 भवनात हो, अगा ह्या 14 भवनात बसल संबत वराड गामा। और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और वो उठ खड़ा हुआ। उसका ध्यान मेरी तरफ गया, वो शर्माते हुए तुरंत अपने काम पे लग गया चुपचाप। साधारण से दिखने वाले इस लड़के ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने भी सोच लिया इससे बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में जानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत कुछ टैलेंट छिपा पड़ा है। लंच का टाइम हो गया तो लंच करूँगा। तो देखिए, मैं चाहता हूँ आकाश तुम भी यहाँ 2 मिनट बैठो। बैठो। ये है आकाश, मेरा लंच लेके आया है। लंच में ये है झुनका, झुनका और ये भाकर। भाकर, ये झुनका, ये भाकर। भाकर यानी जवारी, जवारी की रोटी है ना, ये जवारी की रोटी है। और ये झुनका है, बेसन से बनता है, ये महाराष्ट्रियन लोकल डिश है। और ये जो है, ये है रान भाजी, इसको बोलते हैं। रान भाजी यानी जंगली साग, जो जंगली पत्तों से बना हुआ सब्जी, वो रान भाजी है। तो आपको बता दूँ, ये रान भाजी स्पेशली आकाश ने अपने टिफ़िन से निकाल के मुझे दिया है। सो यू कैन इमेजिन, ये अपने टिफ़िन में लेके आया था अपने खाने के लिए, उसमें से ये मेरे को निकाल के दिया है कि सर आप टेस्ट कीजिए इसको। तो मैं रान भाजी टेस्ट करूँगा इसके साथ। और आकाश के बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आकाश के साथ ही अभी आज या कल जो भी मैं रहूँगा, ये आकाश के साथ रहूँगा। और आपको बता दूँ, देखिए फिर से आ गई बिल्ली। ये बिल्ली है। तो आकाश बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आपको मैं उनका गाना ज़रूर सुनाऊंगा। गाना गाते हैं, इनका भी एक चैनल है। मतलब ये चैनल तो ये नहीं चलाते, ये किसी चैनल के लिए गाना गाते हैं। महाराष्ट्रियन गाना गाते हैं, लोकगीत, महाराष्ट्रियन लोकगीत गाते हैं। धार्मिक गाना, यानी जो महाराष्ट्र में शिवरात्रि में, नागद्वार, जागरण वगैरह में जो यूज़ होता है, जनरली जो गाना गाया जाता है वो गाना गाते हैं। एक अच्छा कलाकार है और काफ़ी फेमस है। ये जिस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल के साथ, भूमिका स्टूडियो, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्रियन धार्मिक गाना जो है ये गाते हैं, इनका गला काफ़ी अच्छा है, मैंने भी सुना है। लंच लेने से पहले 2 लाइन मैं इनसे सुनना चाहूँगा। आकाश थोड़ी सी 2 लाइन मेरे लिए जरूर गाए, ताकि आपको भी पता चले आकाश के बारे में थोड़ी। देवी दत्ता हो देवा गा माजा, अगा झाड़ा झुड़पा तक तोरा, अगया भयान्या वो नात हो, अगया भयान्या वो नात मला संबता सोरा गा मा देवा, मला संबता सोरा हात चवरले जोड़ा,
ये हो गया सरगाना। इसका मतलब क्या था? जैसे अपन महादेव चौरागढ़ जाते हैं, उधर खाइए, अच्छा कोई क्या बोलते वापस आएंगे कि नहीं, क्या उधर मर जाएंगे, इसके वजह से बोलते अपन बोलते जाने के समय का माजी आशा हमारे आशा छोड़ दो अभी, अच्छा जो भी देखेगा वो भगवान देखेगा ऊपर। ग्रेट मीनिंग। आकाश जो है यहाँ काम करता है, इसका ये प्रोफेशन है, मतलब ये काम करता है, ये हर काम कर लेता है। आपने देखा हमारे रूम को इसने पूरा तैयार किया, इवन मेरी एंट्री भी जो यहाँ कराया, मैंने चेक इन कराया, वो पूरा इसी ने संभाला। फिर देखिए आपने इनने मेरे लिए लंच भी लेके आया। तो ये कलाकार है, ये गांव का लड़का, बहुत ही सीधा साधा है, और एक चैनल इनको अपना मेन कलाकार बना के पूरा फेमस हुआ है। हालांकि आकाश को इसमें कोई मॉनिटरी फ़ायदा नहीं है, कोई फिनेंशियल फ़ायदा नहीं है, और पर इसको ये गाना गा के इसको अच्छा लगता है। बला थंडा देवा वारा अगहना गोदराचा वाटना हो अगहना गोदराचा वाटना नव शंकर धरा रे भगत दादा नव शंकर धरा नव शंकर धरा रे भगत दादा नव शंकर धरा। मैं यहाँ जो आया हूँ, मेरा एक स्पेशल ये रहेगा कि आकाश के साथ मैं कुछ समय बिताऊँ, और आकाश के साथ जो है इनके गांव भी जाऊँगा मैं, और आकाश हमको जहाँ जहाँ घुमाएंगे वो घूमूंगा, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी साथ में घूमेंगे मेरे। दिवाली के दिन सुबह प्रातः 6 बजे मैं निकल पड़ा आकाश के गाँव बोरी की ओर। मैं आकाश के गाँव बोरी इसलिए जा रहा हूँ कि मैं उसके गाँव के कल्चर को जानना चाहता हूँ, उसके घर को भी देखना चाहता हूँ, और उनके परिवार से भी मिलना चाहता हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसका घर, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। इतनी सुबह सुबह आकाश के गांव का ये माहौल देखकर, हरि कीर्तन देखकर मेरा तो दिल गदगद हो गया, आनंद से भर उठा। Oh, 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 oh,
देखा आपने कितना अच्छा लगा ना। गांव के लोग इसे काकड़ आरती बोलते हैं। आरती होने के बाद बच्चे चुपचाप बैठ गए, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही शानदार तरीके से विट्ठल रुक्मिणी जी के मंदिर का यह दृश्य। प्रसाद हाथ में आने के बाद भी बच्चों ने तब तक मुंह में उसे नहीं डाला जब तक एक प्रार्थना उन्होंने नहीं गा लिया। कितना सुंदर और कितना डिसिप्लिन था ये सब। ये काकड़ आरती उत्सव है और कोजागिरी पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को यह उत्सव खत्म होता है। ये जो मंडल है पूरे गांव में जो जो मंदिर है वहाँ मंदिर में जाके सब मंदिरों की पूजा करते हैं और आखिरी के दिन पालकी निकलती है पूरे गांव में। प्रदक्षिणा करके पूरे गांव में पालकी की पूजा होती है और नदी में जाके वहाँ का विसर्जन होता है। 2005 से ये उत्सव चालू है। ये जो मंदिर की जगह है वो भावराव जी नवघरे और नामदेवराव नवघरे इन्होंने दान दी हुई है। मूर्ति अपने ये स्थापन की है। ये पंढरपुर से लाई हुई मूर्ति आषाढ़ी एकादशी को इसकी स्थापना हुई है। काकड़ आरती का आनंद लेने के बाद मैं सीधा आकाश के घर आ गया उसके परिवार के सदस्यों से मिलने। अच्छा, ये आकाश के पिताजी और ये भी गाना गाते हैं, मतलब आकाश की मम्मी। आप भी गाना गाती हैं क्या? भजन गाती हैं। अच्छा, तो मतलब पूरा परिवार ही गाना भजन सब में है, बहुत अच्छी बात है। गोपालन ऐसे में खाना बनता है। आकाश की दादी बैठी है 95 साल की, 95 ईयर्स ओल्ड। देखिए नहीं उनको नहीं, जैसे मैंने इनसे बोला कि आप चल फिर लेती हैं तो ये देखिए सीधे उठ गए हैं। अपने परिवार से मिलाने के बाद आकाश मुझे गाँव के बाहर ले जा रहा है भुंडई माता मंदिर। भुंडई माता मंदिर का गांव के लोगों में काफ़ी आस्था है, काफ़ी मान्यता है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा मानते हैं। समय हो गया है मेरा ये सफ़र यहाँ जो भुंडई माता मंदिर है, गांव वाले जिसको बहुत पूछते हैं और श्रद्धा करते हैं, आस्था रखते हैं। ये जो 3 दिन हमने यहाँ बिताया इस जंगल में बहुत ही शानदार रहा। और ये जो एक गांव जो मैं आज गया था बोरी गांव, तो ये गांव का एक विशेष कल्चर जो है मैंने इस वीडियो में दिखाया है, वो जो कल्चर है, वो जो कीर्तन है सुबह जिसको हम लोग अपने वहाँ हरि कीर्तन बोलते हैं, वो इनकी भाषा में उसको काकड़ा आरती बोलते हैं। इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, इतना खूबसूरत था और इतना आनंददायक था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में मैंने देखा इस चीज़ को लोग कर रहे थे। मतलब वो प्रसाद जब लास्ट में दिया गया तो तब तक नहीं खाया गया जब तक एक प्रार्थना नहीं दोहराया गया। जब प्रार्थना दोहराया गया बच्चे फिर उस प्रसाद को खाए। और स्टार्टिंग में मैंने देखा बच्चियों को पैर धो रहे, सभी कीर्तन वालों के पैर धोया, उन्होंने प्रणाम किया और फिर तिलक लगाया। मतलब एक अद्भुत कल्चर, मतलब जैसे हम लोग शहर से निकल के जब कहीं निकलते हैं जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मतलब कल्चर कितना चेंज होता है, कितना अलग अलग कल्चर है। और भारतीय संस्कृति इसी गांव से ही शुरू होती है और यही एक्चुअल भारतीय संस्कृति है जो गांव के लोगों ने बचा के रखी है। तो हमें ये सीखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। ये एक मेरा बहुत शानदार समय बीता इसमें, ये जो भी मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस रहा, दैट्स अ वंडरफुल।